हेलो व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम आपको वी कॉलर नेक की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम लोग का फ्रंट पार्ट है जो आगे हाफ इंच यानी कि पौने इंच कम है। ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है और जो पौने इंच ज़्यादा है वो बैक पार्ट है। अब इसमें में से हम फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ पर अपने नेक की चौड़ाई मार्क करेंगे। ये 3 इंच हमको रखना है चौड़ाई इसकी। और इस जगह से आपको ये जो हम 3 इंच रखे हैं, यहाँ से आपको मेजर करना है कि आपको ये जो मेरी गहराई रहेगी यानी कि आपको कितना रखना है। यहाँ पर हम 8.5 रख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 8.5, 7.5 या जितना भी आपको कम या ज़्यादा रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। इस जगह पर यहाँ पर हम 8.5 की मार्किंग कर दिए हैं और इसको अब हम वी शेप दे देंगे। इस तरह से आपको बना लेना है वी शेप में और इस पट्टी का हम यूज़ करेंगे कॉलर के लिए। इसमें हम फ्यूजिंग कैनवास को लगा दिए हैं। इसकी जो ये हम रेडी रखेंगे ये 1.5 रखेंगे और जो 2 पॉइंट ही मेरा जा रहा है एक्स्ट्रा, ये सिलाई के लिए है यानी कि हम ये 2.25 की पट्टी रखे हैं। इस जगह पे हम 1.5 इंच की और मार्किंग करेंगे ये पट्टी लगाने के लिए। ये हम 1.5 इंच की मार्किंग कर दिए हैं। अब इस तरह से हम एक और वी लाइन बना लिए हैं और अब ये मेरा 1.5 इंच की पट्टी है जिसमें से हम 1.5 यानी कि 2.25 इंच की इस जगह पे मार्किंग करेंगे। जहाँ पर आपका 2.25 इंच आए आप उस जगह पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। और यहीं से हमको कट कर देना रहेगा। हम ऊपर गले की चौड़ाई 3 रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, 2.5, 2, 3 जितना आपको रखना हो। और अब इस जगह पे हम एक कट लगा देंगे। ये थोड़ा छोटा है, एक और कट हम दे देंगे, थोड़ा बड़ा रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ये पट्टी हम इस तरह से लगाएंगे। इसमें पहले ही फ्यूजिंग कैनवास को प्रेस से बैठा लिए हैं। ये 2.25 इंच की पट्टी है। इसको आपको नाप लेना है ये दोनों साइड और पीछे बैक साइड का जो हम लोग का गला रहेगा उसको भी नाप करके उसके अकॉर्डिंग आपको ये पट्टी काटनी है। यहाँ पर मेरी इसकी लंबाई जो है 34.5 है। यहाँ पर आपको आगे से यहाँ से नापना, 1 इंच आपको अंदर की तरफ लेना है। और अब हम ये बैक पार्ट ले लेंगे और उस पर ये फ्रंट वाला पार्ट रख करके शोल्डर जोड़ देंगे।
और यहाँ पर हमको धागा तोड़ना नहीं है, इस तरह से हमको सिलते चले जाना है। और अब इस पट्टी में हमको ये लेस लगानी है। 1.5 इंच हम मार्क कर लेंगे पहले, बाकी जो ये मेरा 2 पॉइंट बच रहा है इसको हमको फोल्ड करके इस तरह से और इसके ऊपर हम ये लेस लगा देंगे। इस तरह से हम 0.22 यानी कि 2-2 पॉइंट की फोल्डिंग करके ऊपर इसकी तरफ ऊपर में लेस लगा देंगे। लेस में लग चुकी है। अब हम इस तरह से ये जो नीचे वाला पार्ट है कॉलर का, इसको और इस कपड़े को इस तरह से हम पकड़ करके इस पर सिलाई लगा देंगे। इसको ऊपर जो कपड़ा है इसको खींचना नहीं है ज़्यादा, अगर आप खींचिएगा तो ये कपड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए इसको खींचना नहीं है। बहुत हल्के हाथ से इसको नीचे पट्टी पे रख करके और हल्का हल्का सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। कॉलर्स में लग गया है और अब हम इसको अंदर कर देंगे।
और अब हम इसको अंदर करके स्लाइस पे लगा लेंगे। और यहाँ पर हमको सही से इसको बैठा लेना रहेगा। इस कट को थोड़ा और हम बड़ा कर दिए हैं। और अब इसको हम सही से पहले रख लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको इस जगह पे, ये जो मेरा पार्ट बचा है, इसको हमको सही से बैठा लेना रहेगा। आप चाहे तो डायरेक्ट इस पे सिलाई लगा लीजिए या पिनअप करके फिर सिलाई लगाइए। अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे।